So hello and welcome students. This is Deepak Upadhyay, your chemistry teacher. So class, in the previous lecture we have discussed about periodic table of Daubonnier and Lothalmayr and Neumann. Now I'm here with a new video on the chapter classification of elements and periodic scheme properties. ठीक है, उसमें आपको आगे बढ़ना और आगे आपका next जो आपका periodic table है that was given by Mendeleev. जी मेंडेलीव व्हाट ही सजेस्टेड दैट ही सेड दिस थिंग कि व्हेन ही हैज अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स इन अ पीरियड इन अ पीरियडिक टेबल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट. जब उन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखा तो ही ऑब्जर्व दैट कि दिस पीरियडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन दिस. After fixed interval of time, the elements are repeating itself in their physical and chemical properties. So he suggested me and concluded that the physical and chemical property, the physical and chemical properties of an element, properties of an element is a periodic function, is a periodic function of atomic weight. This was his concept. After certain interval of time, after certain interval, every elements were repeating same similar properties. अच्छा, इनका खासियत है इस periodic table की. उन्होंने सबसे पहले क्या किया? इस elements को classify किया, basically tables, tables में उनको क्या किया classify किया. ठीक है, जहाँ पे इन्होंने eight vertical columns बनाए, क्या किया? Eight vertical columns में elements को टेबल को अरेंज किया, एट वर्टिकल कॉलम्स कर दिया और इनको नाम दिया क्या? नेम्ड एज अ ग्रुप, एट वर्टिकल कॉलम्स. नेक्स्ट, दीज ग्रुप्स वर कंटेनिंग सब ग्रुप्स. इन ग्रुप्स में भी क्या थे? सब ग्रुप्स देखे होंगे. ठीक है, जब भी आप पीरियड टेबल केमिस्ट्री का सॉरी मेंडेलीव को उठा के देखेंगे देन यू विल ऑब्जर्व कि देयर आर 1 2 3 4 5 ठीक है, एट ग्रुप्स में ऊपर उन्होंने एलिमेंट्स को डिवाइड किया है और हर एक ग्रुप में क्या है? सब ग्रुप्स भी के और भी नाम से. ठीक है, फर्स्ट ग्रुप अगर ये सेकंड ग्रुप के ये भी नाम से. ठीक है, थर्ड ग्रुप के ये भी नाम से. एट ग्रुप के साथ थोड़ी सी जो डिफरेंस आप देखने को आपको मिलेगी ये लाइन में लिए. ठीक है, इन ग्रुप्स में जो सब ग्रुप्स बने हुए हैं इनमें जैसे कि क्या खासियत थी, उसको क्यों उन्होंने इसमें रखा हुआ था, उसका मेन लॉजिक था दैट वाज सेम एज जो इनकी जो पीरियडिक टेबल थी ना, इसका जो मेन आधार था वो बैलेंसी. ठीक है, बैलेंसी के बेसिस पे इन्होंने इस चीज को कंक्लूड किया था. सेम बैलेंसी वाले एलिमेंट्स को क्या किया था? एक ही ग्रुप में रखा था, वाले सब ग्रुप में रखे गए पर सेम बैलेंसी का कांसेप्ट फॉलो किया. नेक्स्ट, सेवन पीरियड्स में. ठीक, मैं सिर्फ एक मोटी मोटी बात बता दे रहा हूँ जिसमें क्या क्या चीजें कंक्लूडेड थी. तो सेवन पीरियड्स पर देर बहुत ज्यादा थीसिस करने की आपको जरूरत नहीं है, तो जनरल जनरल चीजों को समझ लीजिए. व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनएस पीरियडिक टेबल, इन्होंने क्या क्या ऐसा चीज दिया जो इनके जो पीरियडिक टेबल है या जो लॉ है इसका की रूल माना जाता है. दैट आई एम राइटिंग अबाउट. सेवन पीरियड्स, इन्होंने एलिमेंट्स को सेवन पीरियड्स में डिवाइड किया एंड एट ग्रुप्स में, और एट ग्रुप्स में भी क्या थे? दो
आपके सब ग्रुप्स में सब ठीक सेवन पीरियड्स में देयर नेक्स्ट ही क्लासिफाइड ऑल ही क्लासिफाइड ऑल नोन 63 एलिमेंट्स इनका जो पीरियडिक टेबल है वो और ज्यादा कंसिडरेट क्यों माना जाता है कि उस टाइम के जितने पीरियडिक टेबल आए थे उनमें सारे के सारे एलिमेंट जो भी जब तक क्या डिस्कवर्ड हो चुके थे उनकी अरेंजमेंट नहीं हुई थी बट ही वाज द ओनली हु क्लासिफाइड ऑल द नोन एलिमेंट एट दैट टाइम 63 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम तो सारे के सारे एलिमेंट्स को उन्होंने क्या कर दिया था क्लासिफाई कर दिया था या उसको कहते थे अरेंज कर दिया था इन द पीरियडिक टेबल सो दैट्स व्हाई इनका जो है ग्रेड और ज्यादा क्या इसकी प्रेजेंस दी जाती है ठीक है अच्छा और नेक्स्ट इनके इंपॉर्टेंट जो इनका खासियत क्या थी नेक्स्ट लेफ्ट सम ग्रुप्स पोजीशन फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स He left us some places. ठीक है? When he was arranging the all the elements according to the atomic weight, he observed that there is some difference between some two elements. किन्हीं दो elements में बहुत ज़्यादा जब gap देख रहे थे atomic weight का, तो उनकी जगह वो क्या कर दे रहे थे? वो छोड़ दे रहे थे कि पक्का यहाँ पे कोई ऐसा element है जिसकी discovery अभी तक नहीं हो पाई है। तो ये एक सबसे बड़ी खासियत थी। इन्होंने पहले से परसेप्शन बना लिया था कि बाद में एक ऐसे एलिमेंट की खोज होगी जो इस तरीके का सिमिलरिटी या आपका क्या रखता है एटॉमिक वेट रखता है वो उस स्पेस में कवर अप हो जाएगा तो इनकी एक खासियत है ही लेफ्ट सम ग्रुप्स पोजीशंस या कह सकते हो ही लेफ्ट सम स्पेसेस फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स ऑल्सो जैसा कि मैंने आपको बताया लाइक ही वाज अरेंजिंग द एलिमेंट्स दिस इज ऑफ वन एमयू नेक्स्ट टू और नेक्स्ट जो आपको एलिमेंट मिला वो सेवन का ऐसा जो है तो अब उसको इन्होंने इस तरीके से अरेंज नहीं किया इन्होंने स्पेस छोड़ दी फोर फाइव टू सिक्स सपोज है मैं इसे सपोज की बात करूँ दिस इज नॉट द करेक्ट वन ठीक है सपोज है तो फोर फाइव सिक्स की स्पेसेस उन्होंने छोड़ दी ठीक नेक्स्ट जो सीधा सेवन का तो इस प्रॉपर्टी से जो आपको जो प्रॉब्लम्स पिछली पीरियडिक टेबल में हो रही थी अब उस तरीके की प्रॉब्लम्स कम दिख रही मैं नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से खत्म हो गई बट कम नेक्स्ट मैं ऊपर ले लेता हूं ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड ही predicted the properties predicted the properties of undiscovered elements जब उन्होंने गैप छोड़े थे तो गैप एक स्पेसिफाइड स्पेस जो है एक स्पेसिफाइड प्लेस पे छोड़े होंगे तो इसका मतलब इन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो नया एलिमेंट मिलेगा जो डिस्कवरी नहीं हुई है जिसकी उसके इसके लिए हमने स्पेस छोड़ा है तो वो फिट कहाँ होगा जाकर उसके लिए भी इन्होंने स्पेसिफिक स्पेस छोड़ी होगी तो इसका कॉन्सेप्ट जो कहने का है वो ये है कि उन्होंने उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी क्या कर लिया प्रेडिक्ट कर लिया कि इसकी प्रॉपर्टी ये होगी अब जो डिस्कवर्ड एलिमेंट मिलेगा भी ना जिसका मास ये आएगा उसको हम यहाँ पिक कर देंगे वो अपने जो अपने ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ में रिजेंबल करेगा उनकी प्रॉपर्टी सभी सिमिलरिटी रखेगा ठीक है तो वी कैन से दैट ही प्रेडिक्टेड ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स जो एलिमेंट्स अभी खोजे जा चुके नहीं चुके हैं उनको भी इन्होंने उनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिस्कवर कर जैसे कि आप सारे जानते होंगे एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने एक स्पेस छोड़ी थी
इसका नाम हमने रखा था एका, एका एलिमेंट। नाम हमने क्या रखा था? एका एलिमेंट। नेक्स्ट सिलिकॉन के लिए जो हमने स्टेक छोड़ी थी उसका नाम रखा था एका सिलिकॉन। जैसे कि एका एलिमेंट एका सिलिकॉन भी बात है, एका एलिमेंट क्या करता है गैलियम और एका सिलिकॉन जर्मेनियम था। इसकी प्रॉपर्टीज किसी तरह थी इन एलिमेंट्स के जैसे ही थी। सो वी कैन से दिस की इनकी जो प्रेडिक्शन थी वो इतनी ज़्यादा काफ़ी सही थी कि जब बाद में उसी मास का या उसी वेट का जो एलिमेंट मिला तो वो रिजल्ट कर दिया प्रॉपर्टी सिमिलर रखा था एल्यूमिनियम की, जिसको उन्होंने नाम कर दिया था एका एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का जैसे एका सिलिकॉन नाम दिया था। उसके बाद जब भी मिले कैल्शियम और जर्मेनियम वो सिमिलरिटी शो करते थे उसके साथ, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। तो ही प्रेडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स आल्सो। उसकी बेसिस उन्होंने स्पेस को छोड़ दिया कि जब बाद में एलिमेंट्स मिलेंगे तो उनकी एक एलिमेंट को अरेंज कर देंगे। तो ये भी इनकी एक खासियत थी जिसके जिससे इनका जो पीरियड टेबल था वो बहुत ज़्यादा कंसिडरेड। नाउ व्हाट वाज द डिमेरिट्स ऑफ दिस, क्या कमियां थी जिसकी वजह से इनका लॉ भी फेल हो गया, उसको बाद में क्या किया गया और ज़्यादा मॉडिफाई किया गया है ना, व्हाट वाज द फ्लॉस। नेक्स्ट टॉपिक से देख प्रीलोड और डिमेरिट्स। डिमेरिट्स क्या थी, कमियां क्या थी, नेक्स्ट टॉपिक। द फर्स्ट थिंग इज द ग्रुपिंग ऑफ dissimilar, grouping of dissimilar elements, dissimilar elements like sodium, potassium, magnesium, इनकी पोजिशनिंग होगी किसके साथ, कॉपर के साथ और सिल्वर। ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसे एलिमेंट्स को भी एक साथ रख दिया गया उस ग्रुप में जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज में क्या नहीं मिल रही, सिमिलरिटी नहीं मिल रही। ठीक है, तो ये कुछ कमियाँ मिलती है जैसे सोडियम पोटेशियम जर्मेनियम की जो प्रॉपर्टी है वो क्या आपका कॉपर और टेंगी की भी प्रॉपर्टी इनके क्या है, कुछ चीज़ें सिमिलर हो सकती है। मैं मान सकता हूँ कि मटर है आपका, ये आपका मटर है ना, बट देर आर सो मच डिसिमिलरिटी बिटवीन देम। तो इनकी जो पहली कमी थी कि इन्होंने उन एलिमेंट्स को भी एक साथ कर दिया उनके बीच क्या रही थी, सिमिलरिटी नहीं थी। बेसिकली पीरियडिसिटी का मतलब क्या होगा, जो एक जैसी प्रॉपर्टी सिमिलर सिमिलरिटी है तो शो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं होगा। सेकेंड थिंग वॉट वी डिड, सेपरेशन ऑफ सिमिलर दोनों के मासेस अलग अलग, तो
इनकी क्वेश्चन कहाँ डिसाइड है भाई, यू आर अरेंजिंग द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, बट स्टिल इनके वेट अलग अलग होने के बावजूद भी आपने उनकी क्वेश्चन डिसाइड नहीं की, तो द प्लेस ऑफ आइसोटोप वुड नाउ ऑल्सो नॉट डिसाइड डिसाइडेड, तो दैट्स व्हाई इनका जो थर्ड जो इनहेरिट थी कमी ये थी कि आइसोटोप्स की क्वेश्चन भी फिक्स है। नेक्स्ट आपका है